भारत में अचानक जो है वो ज़्यादा हमारे सामने एकदम से उनकी जो, क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन अपना जो था जो अनाउंस किया हुआ था मोदी सरकार ने, उसको ख़त्म तो नहीं कुछ हल्का किया उन्होंने, नरमी की है लेकिन उन्होंने। हाँ, लेकिन 24 घंटों में सबसे ज़्यादा वात हुई, यानी 553 केसेस आए, और 553 केसेस हैं और 17,000 उनके टोटल केसेस हो चुके हैं, और 553 हाँ जो उनकी वात हुई हैं। वहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट है भारत का, वहाँ पर उन्होंने एक अंदाज़ा ये जाहिर किया, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। एक तो हाइड्रो क्लोरीन के वो टेस्ट शुरू कर रहे हैं। भारत दुनिया का वाहिद मुल्क होगा जहाँ पर ये ऑब्जर्वेशनल ट्रायल शुरू होंगे। कोरोना के महासंकट से पूरी दुनिया जूझ रही है, गरीब मुल्क हो या अमीर, सबको कोरोना से लड़ना पड़ रहा है। लेकिन इस महाजंग में पीएम मोदी ने अपनी अलग छाप छोड़ी है। एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने कोरोना से जंग में मोदी को नंबर वन माना है। एक अमेरिका कंपनी मॉर्निंग कंसर्न ने भी पीएम मोदी को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे अग्रणी नेता माना है। मॉर्निंग कंसर्ट नाम की ग्लोबल टेक्नोलॉजी और मीडिया कंपनी ने मिड मार्च में एक सर्वे कराया। इस सर्वे में दुनिया ने पीएम मोदी को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ा और प्रभावशाली नेता माना है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर और दयालु शख्स माने जाते हैं। बिल गेट्स ने आज प्रधान मोदी को चिट्ठी लिखी। मोदी के नाम चिट्ठी में बिल गेट्स ने लिखा कि कोरोना के खिलाफ जंग में हम आपके नेतृत्व और आपकी सरकार के उठाए गए कदम को सराहते हैं। मोदी के कदम को बिल गेट्स दुनिया के लिए मिसाल बता रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी मोदी जी के उठाए कदम से खुश हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, हाँ मैं खुश हूँ।